दुनिया में हर वर्ष 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये दिन हर देश के लिए काफी महत्व रखता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। इस अवसर पर राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर चमोली में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सेमिनार आयोजित किया। इस सेमिनार में लोकतंत्र के प्रभाव और कमियों को उजागर करने के लिए छात्र छात्राओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सेमिनार में छात्र छात्राओं के विचारों के माध्यम से लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाए जाने के लिए उपायों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर छात्र छात्राओं के बीच लोकतंत्र पर विचार गोष्ठी के माध्यम से प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें सभी प्रतिभागियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने छात्र छात्राओं को लोकतंत्र के महत्व को समझाते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र है, सभी को समान अधिकार, सभी का समान कर्तव्य ही लोकतंत्र का मूल है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। आज क्योंकि हमारा प्लान सेक्शन और हिमाचल सेक्शन पर जो था, हमें इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी पर एक एक्टिविटी आयोजित करनी थी कॉलेज में। तो चूंकि लॉ कॉलेज में कुछ छुट्टियां थी, तो हमने पूछा सर से कॉलेज को तैयार करके इसको चुना। हमने प्रिंसिपल सर से इसके लिए रिक्वेस्ट किया और वो बहुत शॉर्ट नोटिस पर मान भी गए। तो आज हम लोगों ने एक भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से इस दिवस को मनाया है और बच्चों का जो उत्साह था वो बाकी श्रोतागण ने बढ़ाया था।